हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएसएल ऑफिस असिस्टेंट के मेरे स्कोर के बारे में। ठीक है, आंसर की के बाद हमने आपसे कहा था कि मैं अपना स्कोर आप लोगों के साथ साझा करूंगा और फिर उसके बाद उस पर बात होगी आगे। ठीक है, तो अभी जो यूपीपीएसएल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे होगा इन सब चीज़ों में भी बात होगी, कितना कट ऑफ जा सकता है, थोड़ा सा और कुछ कमेंट आ जाए दोस्तों उस पर भी मैं बात करूँगा कि कितना कट ऑफ अब जा सकता है, क्योंकि नंबर जो है वो लड़कों के बहुत से बहुत मतलब रैंडमली है, बहुत कम भी है, ज़्यादा भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और आपकी क्या राय है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अपने स्कोर के बारे में। दोस्तों, जो मेरा स्कोर रहा है वो रहा है 117.25। ठीक है, इंग्लिश जो रहा है वो थोड़ा सा की फैक्टर हो गया। मेरा मार्क्स जो था वो मुझे जहाँ तक अनुमान था कि 130 प्लस रहेगा, लेकिन इंग्लिश ने सारा गेम मतलब चेंज कर दिया, काफ़ी गलत हो गए वहाँ से। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया है। मैं अभी थोड़ा सा संपर्क करूँगा जो मतलब अच्छे हैं इंग्लिश में मुझसे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश की वजह से अभी तक नहीं हो पाया है, फिर भी कोशिश लगातार जारी है, अच्छा करने की जारी है। ठीक है, लगातार लगे रहना है दोस्तों, चाहे जैसे सिलेक्शन होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन आप कितना करते हो, आप कितना अच्छा अटेम्प्ट करते हो, अपना जी जान लगा के कितना करते हो, ये मायने रखता है। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना ये सब मुझे लगता है लक फैक्टर है, आपकी मेहनत सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, मैं संतुष्ट था कि चलो इतना हुआ है। ठीक है, बिना पढ़े क्योंकि थोड़ा सा था आगे। चलिए, 117.25 है, और यहाँ पे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्शन तो मैं करूँगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग में दो क्वेश्चन है जो जहाँ पर मैं ऑब्जेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करूँगा, थोड़ा सा कन्फर्मेशन हो लूँ। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जब आप ऑब्जेक्शन की बात करते हो तो वहाँ पे सियोरिटी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फालतू में बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के दो क्वेश्चन हैं, हिंदी भी अभी मैं कर ही रहा हूँ, और कंप्यूटर में तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मेरे कितने मार्क्स हैं। कंप्यूटर तो डजेंट मैटर, वो अलग चीज़ है, और जीएस में भी अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो मेरे 11 नंबर हैं बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि जीएस में बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हुए हैं, बाकी रीजनिंग में तो जो हमने आपको बताया था वही हुआ है। ठीक है, रीजनिंग में दो क्वेश्चन ये गलत हुए हैं, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बस। ठीक है, बाकी नंबर सब सेफ है। अब क्या टाइपिंग शुरू करूँ, यही दिमाग में है कि इतने स्कोर के बाद ये जो 117 का स्कोर है ये मीडिएटर वाला स्कोर है, 110 के आसपास हो तो आप ये मीडिएटर वाला स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि हाँ यार, टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके अराउंडिंग आप हो, बाकी इसमें डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा और बच्चों के कमेंट आ जाएंगे कितने स्कोर उन लोगों का हुआ है, थोड़ा सा सर्वे वर्वे में पढ़ रहा हूँ लोगों को। ठीक है, जैसे कि कुछ और सर्वेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट हैं कुछ जहाँ पे सर्वे हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने अपना स्कोर आपको साझा किया है। क्या रही है आपकी स्कोर वो तो आप बता ही रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं बताया वो हमें कमेंट करके बता दें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी बारे में, एक टाइपिंग कैसे करनी है, सब कुछ कैसे करना है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाली बात होगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।